हमको वोट देना है बहन मायावती जी को। हमें मंदिर से नहीं लेना है, मंदिर और मस्जिद काबा से क्या लेना देना है। जो मेरे माई बाप पूर्वज जब ठीक नहीं रहेंगे तो मैं ये मंदिर का क्या, उससे पूजा करके मेरा भूजा निकलेगा। पूर्वजों को क्या दिक्कत है? पूर्वजों को दिक्कत क्या है, हम जो है कि उस मंदिर से कफा है, मंदिर मुझे नहीं चाहिए। 100 हमें शिक्षा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, हमारे नौजवानों को हर पग पग पर जो है कि चलने के लिए रास्ता चाहिए। जो कहते हैं कि हमारे राज में गुंडागर्दी नहीं होए, हमारे राज में गुंडागर्दी नहीं है, मगर वो इतने गुंडागर्दी करके अत कर दिए कि जो कि उनके ऊपर खुद के 21 जो है मुकदमे उनके पास है, और दूसरे को कहते हैं मैं साधु हूँ। 5 किलो राशन देकर क्या हम लोग जानवर हैं? रुकिए, हम लोग जानवर हैं क्या कि मुझे गेहूँ खिला करके मेरी जिंदगी को जो है खत्म कर देंगे या कि सुख चैन देंगे? थोड़ा सा हटिए, अब मुझे 5 किलो गेहूँ दे करके हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, वरना की आबाद नहीं करते हैं। यही मुझे शिक्षा रोजगार हर एक जो है कि प्रदान करें, वो प्रदान करें तो हमें क्या जरूरत है कि हम जो है कि इस स्थिति में 5 किलो उनका गेहूं लें। हम जो है कि अपना मजदूरी करते हैं। मजदूरी? हाँ जी। वोट किसको दोगे? हाँ, वोट तो मुझे देना है, हाथी निशान है मेरा। हाथी निशान? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। क्यों दोगे हाथी को? हाथी तो मेरा साथी है। अच्छा। इस समय जो है कि हमारे बहन जी के राज में जो कोई गुंडागर्दी नहीं हुआ, हमारे योगी सरकार जी बेचारे बहुत साधु संत हैं, ये हरि की पौड़ी से आए हुए हैं, ये जो है कि इतना बढ़िया है कि जो कि सालों को छोड़कर डाड़ों डाड़ों पर खेतों को बैठा दिए हैं, और जो है इनकी नीत इतनी सुंदर है, एकदम ओरिजिनल है, उनके पास फर्जी मुकदमे नहीं है, ओरिजिनल है। हाँ, जब मेरी सरकार आएगी तो उनको बता दिया जाएगा। ये तो बाबा के बारे में, मोदी के बारे में क्या कहो? मोदी भी वही प्रकार के हैं, मोदी सरकार भी यही है, जैसे योगी हैं और वैसे मोदी हैं। ये लोग बेचारे लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, गरीबे को गरीबों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहे फकीर हैं हम तो। फकीर है तो फकीर का ही लकीर तो बने हुए हैं, क्यों जब फकीर है तो फकीर का जब वो फकीर है तो क्यों इस राज को चला रहे हैं? फकीर तो फकीरी गिरी करता है ना। परिवार त्याग दिया मैंने, मैं त्याग दिया तो जाकर सरंगी बजा करके अपना गली गली अपना संदेश दे कि मैं एक फकीर हूँ और मैं एक लकीर हूँ, हमको राज से क्या जरूरत है? मैं जब योगी हूँ, मैं मोदी हूँ, हमें राज से क्या जरूरत है? हमको राज लेने से क्या जरूरत है? वो तो हम सबकी सबके पुत्र हैं, सबके बाप हैं, सबके दादा हैं। योगी और फकीर का कोई परिवार नहीं होता। कहते मायावती की सरकार आती है शासन टाइट रहता है ज्यादा। जी हाँ, एकदम गुड। मायावती के सरकार में शासन एकदम राइट रहती है, न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार, न दुराचार, न अव्यवहार, भाई भाई पग से पग मिला करके चलने का रास्ता। अधिकारी टाइम पे आ जाते हैं, पहले एकदम आते हैं, वो 10 बजे में 10 मिनट पहले 9:50 पर जो है ऑफिस में वो चले आते हैं, चले आते हैं, और जो है उसमें कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो जो है ऑफिस को फ्रेश करके रख देते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर के भजे सो हरि होई। जो जात पात कौन पूछता है? जो मनुष्य रूप मैंने धारण किया हूँ, सारे मनुष्य हैं, इसमें जात कोई नहीं है। तो ऐसे तो बाबा कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है यूपी में। अरे उनकी गंगा जैसे जैसे दंगा बह रही है, वैसे उनकी गंगा बह रही है, यही बाबा कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं कि मैं तो पूरे साढ़ को गाय को छोड़ दूंगा। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो ये तो बेचारे इतना सुंदर हैं कि जब इनका राज आते आते गुंडागिरी करते हैं। अभी उनका राज आया नहीं, अभी से हलचल चालू हो गया। हलचल चालू हो गया? हाँ, अभी से कहने लगे। तो ऐसा है, अखिलेश भी सरकार वही, इस बार सुधार किया जाएगा। उनका कोई सुधार नहीं होगा, उनका सुधार नहीं होगा यदि कुत्ते के पोछ ले
घी लगा करके सोच किया जाएगा ताप पर भी वो टेढ़ कर देगा, समझ गए? टेढ़े टेढ़े ही हैं, टेढ़ का टेढ़े रहेंगे वो ना सीधा नहीं होगा, तो इसलिए वोट नहीं दे रहे उनको, उनको वोट नहीं, कोई नहीं देंगे वोट। चंद्रशेखर आजाद मेरे घर का परिवार है, वो हम लोगों का छोटा बेटा है। चंद्रशेखर आजाद आदित्यनाथ योगी जी के संग जो है कि अपना जो है कि लड़ रहा है, उसको हमें कोई परेशानी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद लड़ेगा, वो मेरे साथ रहेगा। चंद्रशेखर से मुझे कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। आजमगढ़ की जनता किस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है? हम लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, रोजगार से परेशान हैं, रोजगार से परेशान हैं, शिक्षा से परेशान हैं, और ये गुंडागर्दी से परेशान हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी से किसी तरह से शाम को किसी का रोटी रोजी चल जाता है, वरना सब बाबा कह रहे हैं महिलाएं घर आ जाती हैं, महिलाएं घर आ जाती हैं ना, उनके घर कितनी महिला है उनसे पूछा जाए तो वो बताएंगे ना कि महिलाएं उनके सन्यासी हैं ना, वो सन्यासी हैं, वो हरि की पौड़ी से आए हैं, वो सन्यासी हैं, सन्यासी तो उनको राज से क्या जरूरत है। आपको उम्मीद है बहन जी जीत जाएंगे? एक कदम जीतेगी, एक कदम मुख्यमंत्री बन रही है बहन जी? हाँ बनेगी, अवश्य बनेगी, अवश्य ही बनेगी, एकदम मैं एक्चुअली कह रहा हूँ। हाँ बनेगी, जो भी विश्वास से मैं विश्वास अपने शरीर से लाता हूँ, अपनी शक्ति से लाता हूँ, जो जो है कि हम देख रहे हैं।